नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत न्यूज चैनल पर, आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। मांडा में चारों एकड़ की फसलें जलमग्न, किसानों की धड़कनें बढ़ी। बरहाकला में 3 माह से जलमग्न पड़ी फसलें, सुध लेना भूल गए जिम्मेदार। मांडा प्रयागराज में बीते 3 माह पूर्व झमाझम हुई बरसात एवं माइनरों के पानी से चारों एकड़ की फसलें जलमग्न पड़ी हैं। अधिकतर फसलें नष्ट भी हो चुकी हैं। इसके अलावा बाजरा सहित सब्जियों की खेती में किसानों को काफी क्षति हो गई है। इससे क्षेत्र के किसानों में मायूसी छा गई है। वहीं बची कूची फसलें भी नष्ट होने की कगार पर आ गई है। फसलों को लेकर क्षेत्र के किसानों की धड़कनें बढ़ गई हैं। मांडा ब्लॉक के अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायत बरहाकला में बहेलियापुर, महिंगड़ा, लोनियान बस्ती, बबुरा सहित कई बस्तियां सम्मिलित हैं। इन सभी बस्तियों के ग्राम पंचायतें ही हैं। बता दें कि बरहाकला के किसान हिंचलाल यादव, शिवधारी यादव, राजपति, प्रभुनाथ व बबुरा के किसान जीत नारायण बिंद, कन्हैयालाल बिंद, बद्री प्रसाद और बहेलियापुर के किसान लालमणि पटेल, रामदास पटेल और लोनियान मौजे के राम अभिलाख, अमरजीत, उदयपाल, रंगलाल सहित तमाम किसानों ने बताया कि हजारों एकड़ धान की फसलें नष्ट हो गई, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी सुध लेने नहीं आया। किसानों के मुताबिक यदि किसानों को उचित मुआवजे का प्रबंध नहीं किया गया तो उक्त ग्राम पंचायत के सभी किसान भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। वहीं जिम्मेदार अफसरों की कुंभकर्णी निधि एवं लापरवाही को लेकर किसानों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन यानी घंटी को दबाएं। धन्यवाद।